इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेसेस। सरफेसेस में क्या क्या होता है देख सकते हैं। सरफेस में सबसे पहले आते हैं स्क्वायर। मुझे स्क्वायर बनाने के लिए ये टूल्स यूज होता है। तो डायरेक्शन इसमें दिख रहा है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेस पॉइंट लेते हैं। इस बेस पॉइंट पर मुझे स्क्वायर चाहिए, कितने साइज का चाहिए उस साइज का लेकर के सिलेक्ट करके डायरेक्शन भी चूज करना होता है। मैं एक डायरेक्शन चूज कर लिया, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन N3, ये डायरेक्शन क्रिएट कर दिया। ये देखिए एक सर्किल बन गया है, ये एक स्क्वायर बन गया है। ये स्क्वायर बनाने के लिए ये टूल्स यूज होता है। मुझे अलग अलग डायरेक्शन पर चाहिए तो अलग अलग डायरेक्शन पर भी यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर चाहिए मुझे सिर्फ एक बेस पॉइंट लेना है, और यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर के लिए 10 दे देते हैं, क्रिएट करते हैं। ये एक स्क्वायर बन गया है, ये देखिए एक स्क्वायर बन गया है एक्स एक्सिस पर। तो ये यूज होता है एक्स एक्सिस पर, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एक्सिस पर स्क्वायर बनाने के लिए। सेकेंड हम देखते हैं सिलेंडर। ये बहुत ईजी है, बहुत अच्छा भी लगेगा इस वीडियो को देखने में, क्योंकि ये डायरेक्ट अब हम मॉडलिंग में आ गए हैं। 3D ज्योमेट्री बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर सिलेंडर फुल, सिलेंडर पार्शियल। सिलेंडर फुल मीन्स फुल सिलेंडर बनेगा, पार्शियल मीन्स हाफ सिलेंडर। जितना भी सिलेंडर चाहेंगे एक एंगल पर हम बना सकते हैं। सिलेंडर फुल लेते हैं, पहले बॉटम सेंटर लेते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए बॉटम सेंटर चाहिए, ये मैंने ले लिया। नॉर्मल वेक्टर लेते हैं और बेस रेडियस लेते हैं, कितना सिलेंडर का रेडियस होगा। 20 नहीं लेते हैं क्योंकि 20 मेरा तो पूरा एरिया ही है, सरफेस है। इसको दस लेते हैं, और हाइट कितना लेना है 5 लेते हैं, क्रिएट करते हैं। ये देखिए एक, सॉरी, एक यहाँ पर सर्किल बन गया है। इस तरह से सर्किल बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। और स्कैन पार्शियल में बेस रेडियस, ये हमको 360 में फुल रेडियस बनेगा। सबसे पहले बॉटम सेंटर लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, मेजर वेक्टर लेते हैं, और 360 नहीं लेके 180 लेते हैं और क्रिएट करते हैं। ये देखिए किस तरह से सिलेंडर बनता है। इसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप बॉटम सेंटर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, इससे आप जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे, आप समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल वेक्टर कहाँ से सिलेंडर स्टार्ट होगा, मेजर वेक्टर क्या होता है। आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। हाइट क्या होता है यूज कर सकते हैं। अब यहाँ रहा कोन। कोन के थ्रू हम इस पर कोन बना सकते हैं। टॉप रेडियस, ऊपर का रेडियस कितना होगा, 0 रखते हैं, नहीं 2 रखते हैं, समझ में आ जाएगा। बेस रेडियस 10 रखते हैं, हाइट 5 रखते हैं, बॉटम सेंटर ये रखते हैं, नॉर्मल वेक्टर ये रखते हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया, देखिए अंदर में कोन बन गया। ये जो ऊपर का ये रेडियस है, ये टॉप रेडियस है 2 है, नीचे का ये रेडियस है 10 है, हाइट यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट 5 है। देखिए रिजेक्ट यानी पीछे जा सकते हैं, मुझे क्रिएट नहीं करना है। अब हम कोन पार्शियल, जिस तरह से सर्किल पार्शियल सिलेंडर पार्शियल था उसी तरह कोन पार्शियल आधा कोन बना सकते हैं। इसमें आते हैं स्फीयर सेंटर एंड रेडियस। स्फीयर बनाने के लिए कोई भी एक सेंटर पिक करेंगे, कितना का रेडियस चाहिए, 10 का रेडियस चाहिए स्फीयर। ये देखिए स्फीयर क्रिएट हो गया, रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर फोर नोड्स, फोर नोड्स के साथ, फोर
फोर नोड्स सिलेक्ट करेंगे और उस नोड्स के थ्रू स्फीयर बना सकते हैं, स्फीयर पार्शियल आधा स्फीयर बना सकते हैं। और यहाँ पे टोरस, टोरस इस पिक्चर से पता चलता है कि इस तरह का मुझे ज्योमेट्री 3D बनेगा। टोरस सेंटर एंड रेडियस के थ्रू एक सेंटर लेते हैं, एक नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, और मेजर रेडियस 5 दे देते हैं, माइनर रेडियस 2 दे देते हैं, क्रिएट करते हैं, बन गया ये टोरस। देखिए इस टोरस को हम 3 नोड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, पार्शियल नोड्स, आधा टोरस भी चाहिए तो आधा नोड टोरस के थ्रू हम इसे यूज कर सकते हैं। ये टोरस भी मेरा कंप्लीट हो गया है। स्पिन, स्पिन क्या होता है तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है एक लाइन लेने के लिए, तो मैंने एक लाइन ले लिया, और ये डायरेक्शन पूछ रहा है, मैंने इसमें जेड डायरेक्शन ले लिया। बेस पूछ रहा है, मैं ये एक बेस ले लिया। स्ट्रेट एंगल पूछ रहा है, एंगल इंड एंगल पूछ रहा है, स्पिन कराते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन गया, उस एंगल के साथ बेस का समझिए कि सेंटर हो गया, उसके साथ ये स्पिन करेगा, एक प्लेट टाइप का ये बन जाएगा। इसके लिए ये स्पिन यूज होता है। फिर से हम सरफेस में चलते हैं, स्पिन मैंने समझ लिया, और एंगल के साथ 360 है, हाफ भी दे सकते हैं, इस तरह से हम स्पिन बना सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रैग अलोंग वेक्टर। ड्रैग अलोंग वेक्टर में भी ड्रैग अलोंग वेक्टर है, ड्रैग अलोंग लाइन है, ड्रैग अलोंग नॉर्मल है। ड्रैग अलोंग लाइन लेते हैं, लाइन्स क्रिएट कर देते हैं, लाइन सेलेक्ट करते हैं, लाइन सेलेक्ट किया, लाइन लिस्ट मैंने को लेना है, फिक्स्ड फ्रेम, ड्रैग, देखिए इस तरह से ये ड्रैग हो रहा है। इस प्लेन में फिलर में क्या करते हैं, टू फिल दी मटेरियल्स इन अ क्लोज एंटिटी। अब अगर हम 3D ज्योमेट्री, 3D होगा उसमें से होल होगा, इसके थ्रू हम फिल कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये फिल नहीं है, इसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। क्लोज प्रोफाइल है ये देखिए फिल हो गया, ये पूरा एक लाइन बना हुआ था सर्किल, ये फिल हो गया, ये बंद हो चुका है। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, खुला हुआ अभी बंद हो गया, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। रूल्ड में चलते हैं, रूल्ड में दो ऑप्शन है, लाइन लिस्ट के थ्रू या नोट्स के थ्रू। अगर यहाँ लाइन रहता तो दो लाइन को सिलेक्ट करते, आप लाइन लिस्ट के लिए आप वाले को सिलेक्ट करते, ऊपर वाले को, नीचे वाले के लिए नीचे वाले को सिलेक्ट करते, और हम यहाँ पर सरफेस क्रिएट कर देते। तो मेरे पास अभी नोड है, तो अभी हम नोड्स में चलते हैं, और नोड्स के थ्रू ऊपर वाले सिलेक्ट करते हैं, और दो ऊपर वाले नोड सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर नीचे वाले सिलेक्ट करते हैं, और दो नीचे वाले नोड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्रिएट कर देते हैं। तो ये हम लोग सरफेस क्रिएट हो गया, अभी दिख नहीं रहा है, इसमें जाएंगे, ये दिख गया, ये एक सरफेस क्रिएट हो गया नोड्स के थ्रू। ये रूल्ड का यही काम है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन में क्या होता है कि मल्टीपल लाइंस के थ्रू हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं, कि अगर मेरे पास यहाँ लाइन होता है, यहाँ लाइन होता है, तो इसके थ्रू हम एक स्किन, एक सरफेस क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन क्रिएट करते हैं, लाइन क्रिएट करने से पहले हम नोड क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं नोड्स की तरफ, और नोड्स क्रिएट करते हैं। एक हम यहाँ पर से प्लेन ले लेते हैं,
और थ्री नोट सेलेक्ट करना होता है प्लेन में, तब जाकर नोट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्रिएट पे ओके करते हैं और जहाँ चाहिए वहाँ नोट ले लेते हैं। काफ़ी है ये। अब चलते हैं हम लाइंस, लाइंस क्रिएट करते हैं, लाइंस सेलेक्ट लाइन करते हैं, सेलेक्ट नोट्स करते हैं, दो नोट सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट, फिर दो नोट सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ हमने नया नोड क्रिएट कर लिया है और लाइन भी क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने काम के तरफ, जो स्क्रीन हमको क्रिएट करना है लाइन के थ्रू। तो हम दो स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। ये इस तरह से लाइन के थ्रू कैसे सरफेस क्रिएट करते हैं, तो ये स्क्रीन टूल्स का काम है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, काफ़ी है ये, इजी है, समझ में आ गया होगा। अब ये फिलेट, फिलेट क्या करता है? यहाँ पर सो लोगो दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है, इससे पता चलता है कि दो परपेंडिकुलर सरफेस होता है जिसके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, जो भी एंगल बनता हो उसको फिलेट करता है, स्मूथ कर देता है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी दो परपेंडिकुलर सरफेस है नहीं, तो ऐसा करते हैं एक परपेंडिकुलर सरफेस लेते हैं। तो इसके लिए हमको ये दो नोट को पहले ट्रांसलेट करवाते हैं और उसके ऊपर फिर क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ट्रांसलेट करवाने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? Shift+F4। नोट यहाँ पे नोट सेलेक्ट करेंगे, नोट मुझे ट्रांसलेट करवाना है, दो नोट सेलेक्ट किए हैं, ट्रांसलेट कौन सी तरफ? जेड से, जेड डायरेक्शन में लेते हैं, ये जेड की तरफ है, तो जेड डायरेक्शन में लेंगे। कितना डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है? डिस्टेंस 20 के डिस्टेंस पर लेते हैं, ट्रांसलेट ऊपर की तरफ कराते हैं। तो ये नोट्स यहाँ से यहाँ क्या हो गया है? ट्रांसलेट हो गया है, लेकिन मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ ट्रांसलेट करते यही नोट ट्रांसलेट हो गया, यहाँ पर है नहीं ये नोट्स, और मुझे यहाँ पर भी नोट चाहिए। तो इसके लिए हम डुप्लीकेट में जाएंगे, ये रहा डुप्लीकेट। सबसे पहले इसको रिजेक्ट करते हैं और नोट्स में क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट में जाते हैं, जेड एक्सिस 20 मैनेज्यून। अब ट्रांसलेट कराते हैं, देखिए यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है। तो हमको जब भी ट्रांसलेट कराना हो और नोड की ज़रूरत हो तो डुप्लीकेट लेने के बाद ही ट्रांसलेट करवाएंगे, तो दोनों जगह नोड रहेगा, यहाँ का नोड ट्रांसलेट नहीं होगा, इसका ही डुप्लीकेट ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलते हैं रिटर्न, और यहाँ पर लाइन क्रिएट करते हैं, सरफेस क्रिएट करते हैं। तो सरफेस पता है कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी हम लोग किए थे रूल्स के थ्रू। ऊपर वाला दो नोड सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे वाला दो नोड सेलेक्ट करेंगे, और ये एक सरफेस क्रिएट हो जाता है परपेंडिकुलर। अब हम देखेंगे फिलेट का क्या काम है। फिलेट में सबसे पहले कौन सी लाइन को फिलेट करना है, स्मूथ करना है, तो ये लाइन सेलेक्ट करते हैं, ये लाइन सेलेक्ट कर लिया। कितने रेडियस के साथ फिलेट करना है उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं लेंगे, यहाँ पर हम रेडियस ले लेते हैं 5 और क्रिएट करते हैं। ये देखिए किस तरह से ये सरफेस फिलेट हो गया है। यहाँ पर ऑटोमेटिक लेते हैं तो ये खुद का एक एंगल बनाएगा और ये फिलेट कर देगा। तो फिलेट का यही काम है। नेक्स्ट चलते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं,
ओके, हम लोगों ने जान गया फिलेट कैसे करना है। नेक्स्ट है, इसका नाम है फ्रॉम एफई। फ्रॉम एफई मीन्स फाइनाइट एलिमेंट, मीन्स एलिमेंट के थ्रू हम कैसे सरफेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मुझे एलिमेंट दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेसिंग करते हैं। मेसिंग करेंगे तो ये सरफेस नोड एंड एलिमेंट में क्रिएट हो जाएगा। नोड तो है लेकिन एलिमेंट्स नहीं है, तो एलिमेंट लाने के लिए मुझे सबसे पहले ऑटोमेस करना पड़ेगा, मेसिंग करना पड़ेगा। मेसिंग कैसे होता है वो हम एडवांस में नेक्स्ट टॉपिक में सिखाएंगे, लेकिन अभी मुझे इसके लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए मुझे मेसिंग करना होगा। तो अभी मेस करेंगे और उस नोड के थ्रू हम सरफेस क्रिएट करेंगे। तो ऑटो मेस का शॉर्टकट कीज होता है F12। F12 क्लिक करेंगे सरफेस कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। मैंने एक सरफेस सेलेक्ट कर लिया है। एलिमेंट साइज कितने एलिमेंट साइज का होगा, 10 एलिमेंट साइज ले लिया। साइज एंड 22 ये सब हम पढ़ेंगे एडवांस में। मेस करते हैं, ये चार इसमें मिस हो गया है। एलिमेंट साइज अगर हम ज़्यादा लेते हैं, 20 लेते हैं, फिर से मुझे सेलेक्ट करना होगा, फिर से हम रिजेक्ट करते हैं। और सरफेस लेते हैं, मैंने एक सरफेस ले लिया, एलिमेंट साइज 10 है, 20 लेते हैं और मिस करते हैं। तो ये एक ही मिस में ये कन्वर्ट हो गया है। तो मुझे 10 20 नहीं लेना है, मुझे कम लेना है, तो ये ज़्यादा एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। इसके लिए मुझे रिजेक्ट करना है, इसको रिटर्न करते हैं और यहाँ पर सरफेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 5 लेते हैं, 2 लेते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स क्रिएट होगा। ये देखिए, और यहाँ पर हम रिटर्न चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोड्स में क्रिएट हो गया है। और हम यहाँ यूटिलिटीज में देखते हैं, इसको हम ऑफ करते हैं, सरफेस दिख रहा है, ओके, इसको ऑन करते हैं तो ये मेस के साथ दिखेगा। तो मुझे इस एलिमेंट की ज़रूरत है, सरफेस की ज़रूरत नहीं है, ये सरफेस की ज़रूरत नहीं है। इस सरफेस को सबसे पहले हम डिलीट करेंगे, वो एलिमेंट्स जो दिख रहा है उस एलिमेंट के थ्रू फिर से हम सरफेस क्रिएट करेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे इसको डिलीट करने के लिए, F2। F2 से सरफेस क्लिक करेंगे, F2 में चलते हैं। हमको डिलीट क्या करना है, सरफेस करना है, सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस को सिलेक्ट की और डिलीट एंटिटी डिलीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सिर्फ नोड्स है, एलिमेंट्स है, सॉरी, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहा है। तो इस एलिमेंट यहाँ पर सरफेस है नहीं, देखिए यहाँ पर इसको हम बंद करते हैं तो सरफेस कुछ नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है। इस एलिमेंट के थ्रू अब हम सरफेस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मुझे सरफेस जाना होगा। अब हम इसका यूज करेंगे फ्रॉम एफई का एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट हो गया ये, इसे आप बंद करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट हो गया है, मैं जितना चाहूँगा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ और सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सब नोड कहलाता है, सॉरी एलिमेंट्स कहलाता है। इस एलिमेंट्स के थ्रू हम सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट, इसे बंद करके देखते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पर सरफेस क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम फ्रॉम एफई का यूज करते हैं एलिमेंट्स को सरफेस में कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए। लास्ट है मेस लाइन। मेस लाइन क्या करता है, ये मेस को डिफरेंशिएट करता है। देखते हैं कैसे ये डिफरेंशिएट करता है। नोड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके थ्रू ये
लाइंस को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉ लाइंस कर सकते हैं, ये लोग हम ये सब चीज़ हम एडवांस में भी सीखेंगे। तो हम लोगों की ये सरफेस पूरा टूल्स कंप्लीट हो गया है। मिस लाइन में हम देखते हैं क्या करते हैं, नोड लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, मैंने दो नोड सेलेक्ट किया, ड्रॉ अ लाइन, लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, ये देखिए ये लाइन एक ड्रॉ हो गया है, अब देख सकते हैं। तो ये मेश के थ्रू, एलिमेंट्स के थ्रू, मेश एलिमेंट्स और नोड्स के थ्रू हम यहाँ पे लाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे डिलीट लाइन में जाना है, किस लाइन को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, ड्रॉ अ लाइन, नोड लिस्ट में जाते हैं, दो नोड को सिलेक्ट करते हैं और लाइन ड्रॉ कर दिए। लाइंस में जाते हैं, लाइंस को सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए, बस इसका यही काम है, लाइन क्रिएट करना, लाइन को डिलीट करना मेश के थ्रू। तो ये बहुत इजी है। तो हम लोगों का यहाँ पर ये सारे टूल्स कंप्लीट हो गया है सरफेस का, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, सॉलिड्स में देखेंगे।